बाय टिकट। हाँ एक दो, ठीक है भाई। क्या बात है, इतना सज धज के कहाँ जा रही है? आज कॉलेज में एक स्पेशल क्लास है, मैं वही जा रही हूँ। स्पेशल क्लास? लेकिन आज तो सारे स्कूल कॉलेजेस बंद है ना, तो किस बात की स्पेशल क्लास? ये काउंसलिंग क्लास है भैया, वो छोड़ो, तुम 500 रुपए दो। काउंसलिंग क्लास 500 रुपए? लेकिन 500 रुपए की क्या जरूरत भैया, उसी के लिए ही मांग रही हूँ, उसी काउंसलिंग का ही फीस है, फ्री में तो नहीं करवाएंगे ना, अभी जल्दी दे दो। अच्छा सुनो ना, देखो मेरे पास अभी इतने पैसे है नहीं, एक काम करो ना, तुम ये जो क्लास है उसके पैसे किसी से उधार ले लो, और उसको पैसे तुम बाद में दे देना जब मैं दे दूंगा, ठीक है? और कितना नीचा दिखाओगे भैया, क्या तुमसे मैंने 5 लाख रुपए मांगे? 500 रुपए ही मांगे हैं। अब 500 रुपए के लिए अगर तुम टीचर से पूछोगे कि किस लिए चाहिए, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ मुझे मालूम है कि मैं एक छोटी सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पर मैं ये सबको नहीं बता सकती। अरे ठीक है ठीक है, मैं देता हूँ। ये ले तो पैसे, यही ये ले, ये 500 रुपए। ये क्या, इसमें तो दाग लगे हुए हैं, इसे कैसे चलाऊं मैं? अरे अगर ये पैसा नहीं चलेगा ना, तो एक काम करना, इसको दोबारा से मुझे लाकर देना, मैं किसी तरह इसे चला लूंगा, ठीक है? देखो इस वक्त तो मेरे पास इतने ही थे, बस ये एक ही नोट पड़ा था। देखो इतने सवाल मत करो मुझसे, अभी मेरी सैलरी आई नहीं, आएगी तो मैं तुम्हें और दे दूंगा, समझ गई ना? मेरी मेहनत की कमाई में तो बस इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा तो मैं और कुछ दे भी नहीं सकता, और मेरे लिए तो सबकी खुशी सब कुछ है, पैसे से ज्यादा तो खुश रहना इम्पोर्टेंट होता है, जिंदगी कट जाती है। अरे ये तो वही नोट है जो आज सुबह मैंने अपनी बहन को दिया था, ये इसके पास क्या कर रहा है? जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, मुझे पता लगाना होगा कि ये पैसा इसके पास कहाँ से आया। अरे भाई ये नोट आपको कहाँ मिली? अरे ये नोट तो खराब हो चुकी है, आपको ये पैसे आखिर मिले कहाँ से? अरे भाई पैसे पर थोड़ी सी इंक लग गई तो इससे क्या प्रॉब्लम है, पैसा अब भी चलेगा, इसकी वैल्यू वही है। भाई आपको पता ही क्या है, आप तो हमको दे दोगे लेकिन दोबारा ये नोट नहीं चलेगी तो मैं क्या करूँगा, आपको पता नहीं है क्या, पैसों पर ऐसे लिखना बड़ा अपराध है। रुक जाओ मैं पुलिस को फोन करता हूँ, वही आपकी खबर लेंगे अच्छे से। ए भाई रुक जा, पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं, इन पैसों पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है ये तो मुझे पता भी नहीं था, और वैसे भी ये पैसे मेरे नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दिए। क्या भाई आप क्या कहानी बना रहे हो, आप जो बोलोगे मैं मान लूंगा क्या? अच्छा आप एक काम करो, अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करो और उससे बोलो कि वो बोले कि ये पैसा उसका है, वो बोलेगी तब मैं मानूंगा ये पैसा उसका है, और फिर कुछ करेंगे। अगर आपने साबित कर दिया कि पैसा आपका नहीं उसका है तो मैं आपको बस में बैठने दूंगा, वरना फिर आपको सीधा इस बस से उतरवा दूंगा। अच्छा चल ठीक है, फिर मैं अपनी गर्लफ्रेंड को फोन लगाता हूँ, उसी के मुंह से सुन के मान लेना। हेलो आयत, कहाँ पर हो तुम? अच्छा सुनो तुम एक काम करो ना, तुम वो वाले यूनिवर्सिटी के सामने जल्दी से जल्दी आ जाओ, मैं एक बस में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, और वो बस जो है ना लाल कलर की है, मैं बस के अंदर बैठा हूँ। हाँ हाँ ठीक है तुम आ जाओ ना, मैं आने के बाद तुम्हें सब बताता हूँ ना। हाँ हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ। लगता है कि वो लड़की अंधी है जो तुझे अपना बॉयफ्रेंड बना ली, आखिर क्या देखा उसने तुझे लंगूर में? अरे भाई ये सब आप क्या बोल रहे हो, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती है क्या? मेरा चेहरा क्या देखने में इतना खराब है? और चेहरा ही नहीं, किस्मत भी अपुन की चमकी हुई है, और वैसे भी मेरी तो एक गर्लफ्रेंड नहीं है, चार चार गर्लफ्रेंड है, और अभी जो आने वाली है ना लड़की, वो तो बस मेरा टाइम पास है। और पैसे का क्या है, पैसे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, उस लड़की को तो मैंने बस टाइम पास करने के लिए रखा है। और ये जो 500 रुपए मैंने आपको दिया ना, आज सुबह मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे दिए थे। ओ अच्छा समझ में आ गया, मतलब देश की अवस्था खराब हो गई है, जो आप जैसे लोग चार चार गर्लफ्रेंड रख रहे हैं। लो वो आ गई, देखो मेरी गर्लफ्रेंड आ गई, और उसी ने मुझे ये 500 का नोट दिया था। भैया तुम? भैया ये लड़की क्या तुम्हारी बहन है? हाँ ये मेरी बहन है, और यही मैं जानना चाहता था, इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला और बस इस पैसों से हमें पकड़ लिया। हाँ मैंने तेरे साथ गेम खेला, और मेरा जो कंफ्यूजन था ना वो एकदम सच्चाई में बदल गया तेरी असलियत देख के, और आज ये भी मेरे सामने और तू भी मेरे सामने, ये नोट भी मेरा दिया हुआ था, और तुम इससे प्यार करते हो ना, क्यों रे?
तेरी तो स्पेशल क्लास थी ना, ये कौन सी क्लास है हा? मैं दिन रात मेहनत करके तेरी पढ़ाई करवा रहा हूँ और तू है कि कॉलेज में ये नाम रोशन करने जा रही है। और लड़का भी कैसा चुना है, जो सिर्फ एक नहीं चार गर्लफ्रेंड रखता है अपनी। देखो भैया, तुम ऐसे ही मुझे गलत समझ रहे हो। मैं उससे प्यार करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, हमें शादी करवा दो। क्या बोला तूने, मैं तेरी इससे शादी करवाऊंगा? अरे इससे अच्छा मैं तेरी जान ले लूंगा यहीं पर, तुझे तो कुछ भी पता नहीं है। अरे ये जो लड़का है ना, ये तेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तुझसे असल में बिल्कुल प्यार नहीं करता है, समझी? और तू इससे शादी करना चाहती है? इसीलिए मैं तुम्हारे साथ कोई भी बात शेयर नहीं करती। पता चलते ही मेरा बॉयफ्रेंड है, उसे बदनाम करने लगे तुम। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, और तुमने देख लिया ना तुम्हारा भाई कैसा है। ये हम दोनों का संबंध खराब करने के लिए ये सब नाटक कर रहा है हमारे सामने। देखो जल के लाल हो रहा है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मुझे पसंद करती हो, हमारे बीच में बोलने वाला ये बेवकूफ कौन होता है बताओ मुझे? इसका कोई हक नहीं बनता। ए लड़की एकदम बात नहीं करना, झूठ बोलना बंद करो। ए लड़की तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसे एक लफंगे के साथ तुम प्यार करती हो? और तुम्हारा भाई जो भी कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है, इसके कई सारे चक्कर चल रहे हैं और तुम उसकी क्लास गर्लफ्रेंड हो, और तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है कुछ नहीं। ऐ, ये लड़की जो कह रही है सच है? हाँ वो ठीक बोल रही है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ, मैं तो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा हूँ, और मेरा इंटेंशन तो बस तुम्हारे साथ बेड शेयर करना था। तुमने सही कहा था, ऐसे एक लफंगे के साथ शादी करने से बेहतर तो मेरा मर जाना है। ए, साले एक बात याद रखना, आज के बाद है ना कभी मेरी बहन के साथ दिखाई मत देना, वरना वहीं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। और सुन, मेरी तो क्या किसी की बहन के साथ कुछ मत करना, वरना तेरी बहन के साथ भी यही होगा। चल निकल। भैया I'm really sorry, मैंने तुम्हें गलत समझा था, मुझे माफ कर दो भैया। तुम अब जिससे चाहो मेरी शादी करवा दो, मैं कर लूंगी, और कभी भी ऐसे लफंगों के पल्ले में कभी नहीं पड़ूंगी। और ये खून पसीने की कमाई मैंने लफंगों पे खर्च किए हैं, मैं अभी घर चली जाऊंगी। देखो बहन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, इतनी सी बात पर मैं तुमसे नाराज नहीं होने वाला, और ऐसे लफंगे आते जाते रहेंगे, इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं हर बार तुम्हें बचा लूंगा। तुम्हें परेशान करने वाले का यही हाल होगा, मेरा तो बस एक ही सपना है कि मैं तुम्हें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा सकूं और तुम कुछ अच्छा करके हमारा नाम रोशन करो। लेकिन बहन ये सारी बातें ठीक नहीं होती, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर सारा दिन मेहनत कर रहा हूँ, तुमने उसके साथ जाते हुए एक बार भी नहीं सोचा? पूरा दिन मुझ पर क्या बीतती है तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, तुम्हें जानने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस अपना काम ईमानदारी से करना है जो तुम आजकल नहीं कर रही, हम तो बस यही चाहते तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम ऐसे लफंगों के साथ घूमकर अपना टाइम बर्बाद कर रही हो, और मैं मेहनत करके यही सोच रहा हूँ कि तुम पढ़ाई कर रही हो, और तुम मेरे दिए हुए पैसों को ऐसे लफंगों पर खर्च कर रही हो। एक बार तो सोचो कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, तुम हो तो मेरी बहन, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, इसको अपने लिए सबक मानो और जाओ खुश रहो। ठीक है अब तुम जाओ, मुझे काम करना है, इन सभी लोगों ने जाने के लिए पैसे दिए वरना चले जाएंगे और मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है जाओ तुम। ए, कोई टिकट के लिए बचा तो नहीं है?